गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा करती हूँ कि हमने जो पहले कक्षा में जिस तरह से बात की है हमारे पाठ तीन की नादान दोस्त की, वह आप समझ गए होंगे। और प्रेमचंद की जो भाषा है वो काफी सरल है, उन्होंने काफी सरल तरीके से हमें समझाने की कोशिश की है। मुझे आशा है कि आपको शब्द के अर्थ भी समझ में आ रहे होंगे। तो हमने पहली कक्षा में जहां तक देखा है कि बच्चे अब क्या कर रहे हैं चिड़िया के लिए, उनके बच्चों के लिए और उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए। अब उन्हीं की तकलीफ को हम दूर करने के लिए केशव और श्यामा ने किस किस तरीके को अपनाया है उनके बारे में आज चर्चा करते हैं। श्यामा एक छोटी सी बच्ची है, उनके मन में भी वह तरकीब देखकर अपने भाई के बारे में जो अपने भाई ने जो जो भी सुझाव दिए हैं ये सारे सुनकर वो खुश हो जाती है और मन ही मन में उनको भी लगता है कि भैया कितना विद्वान है, समझदार है, जो इस तकलीफ को आसानी से सुलझाने की क्षमता भी रखता है। तो अब हम देखते हैं कि वे चिड़िया के बच्चों का और चिड़िया का क्या होता है, बच्चे क्या क्या करते हैं, और हमें भी अगर ऐसे कोई पक्षी की सहायता करने की जरूरत पड़े तो हम भी उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि मानवता हमारा पहला गुण है। हमें हमेशा दूसरों की खुशी और दुख में उनका साथ देना ही चाहिए, ये हमें एक सीख मिली है और उस सीख को हमें आगे बढ़ाना ही है। अब हमने देखा कि श्यामा खुश हो गई है और वह भैया की तरकीब को आगे क्या क्या कर रही है। तो पहले तो श्यामा ने कहा कि मेरा ध्यान चिड़िया के पानी की तकलीफ की तरफ नहीं गया था, मुझे तो सिर्फ उसको धूप लगती है वही बात याद आई, तो केशव का ध्यान गया है। तो केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था, बोले जरूर तकलीफ तो हो रही होगी, उसको भी धूप लग रही होगी, परंतु बेचारे बच्चे प्यास से मारे तड़पते होंगे और उसमें छाया भी तो नहीं है, छाया नहीं है यानी कि छत भी नहीं है। हम सबको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए छत की जरूरत होती है। आखिर यह फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की एक छत बना दी जाए और प्याले में थोड़े से चावल रख दिया जाए और साथ साथ में पानी भी रखा जाए। अब ये प्रस्ताव स्वीकृत हो गया, स्वीकृत होना यानी कि उसे अब हमने स्वीकार कर लिया, उसको मंजूरी मिल गई है। तो बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे, चाव से काम करने लगे यानी कि आनंद के साथ, खुशी के साथ, उत्साह के साथ। जैसे हमें कोई काम मिल जाता है और हमारा मन पसंद है तो हम उसको कितनी खुशी से, उत्साह से साथ करते हैं, और शायद वह किया गया काम हम जिस तरीके से करने चाहते हैं उससे भी अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर हम तन मन से उनके साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी दोनों बच्चे चिड़िया के लिए वह काम बड़े प्यार से करने लगते हैं। कभी कभी हमें डर लगता है कि हम ये काम कर रहे पर अगर मम्मी पापा को पता पड़ गया तो शायद हमें डांटेंगे, शायद हमें नहीं करने देंगे। इसलिए हम कभी कभी उन लोगों से भी छुप छुप के काम करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें पता नहीं पड़े। अब यहाँ पर भी श्यामा भी अपने माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल ले आई। केशव ने पत्थर के प्याले का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए? चांदनी, चांदनी का मतलब होता है छाव करने के लिए। अब
पुतला बनाना हो कोई सिंपल बात नहीं है। हाँ, उनको कैसे रखा जाए, उसको कैसे टिकाना है, किस तरीके से बनाना है, यानी कि जैसे कि हम कोई बिल्डिंग बना रहे हो उतनी सोच का यहाँ पे उपयोग लेना पड़ता है। करते हो ना आप लोग भी कि भैया हम घर बनाते हैं, लड़कियों को आदत होती है वो घर घर खेलने की गुड्डा और गुड़ियों के साथ, तो वह हमेशा उनको अच्छा बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। आप कोई भी खेल सीखते हो तो आज मेरा ये ऐसा हुआ कोई बात नहीं, परंतु तो कल ये इनसे भी आगे बढ़ाना है, तो यहाँ पर ये दोनों भी उनके घोंसले के बनाने के लिए सोचने लगे, कपड़ा बिछाना है, छत है तो कैसे बिछाना है। तो उन्होंने क्या उपाय सोचा कि अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए, छाव के लिए कपड़ा कहाँ से लाए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा भी कैसे, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि कपड़ा है वो तो उड़ जाएगा या गिर जाएगा, परंतु उन्हें तो वहां पे टिकाना था तो छड़ी की तो जरूरत पड़ेगी, और छड़िया खड़ी रहेगी कैसे, वह भी काम था। अब देखते हैं क्या क्या कोशिश होती रहती है, क्योंकि वह अपनी उम्र के हिसाब से ही सोचेंगे। केशव बड़ी देर तक इस उधेर बुन में रहा, उधेर बुन यानी कि उनको इसका हल ढूंढने के लिए वह बार बार उसी सोच में गहरा डूब रहा था। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। कूड़ा फेंकने वाली टोकरी यानी हम सबके घर में कूड़ादान रहता है, वो टोकरी उठा के ले आओ और अम्मा को मत दिखाना। अगर मम्मी को पता पड़ेगी तो प्रश्न तो पूछेगी कि तुम्हें इस टोकरी की क्या जरूरत पड़ी भैया, क्यों उठा के ले जा रहे हो। श्यामा अब कूड़ादान तो ले आए, उसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु भैया वह तो बीच से टूटी हुई है, अब उसके लिए हम क्या करें, वह भी एक बड़ा सवाल है कि भाई वो टूटी हुई है तो वहां से भी धूप आएगी, तो उनका हल हम क्या ढूंढे। कोई बात नहीं, इतना हमें काम किया है तो और आगे सही। श्यामा वो तो बीच से फटी हुई है, टूटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तो टोकरी तो ले आ, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालता हूँ। हिकमत यानी कि मैं उस सुराख को बंद करने के लिए कोई ना कोई प्रयत्न, कोई तरकीब निकालता हूँ। अब श्यामा दौड़कर टोकरी उठा ले आई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया, तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसके मैं आड़ कर दूंगा, तब धूप कैसे आएगी। आड़ कर दूंगा यानी कि उन दोनों के बीच में मैं उसको रख दूंगा, तो फिर मेरे ख्याल से वहां पे धूप बच्चों के ऊपर आ सकेगी नहीं। श्यामा भी दिल में सोचने लगी, भैया कितना चालाक है, कभी कभी देखना बच्चे एक दूसरे को काफी सोचते हैं कि मुझे ये उपाय नहीं आया, इसको आया, इसमें कितनी समझदारी, ये कितना चालाक है, ये कैसे वो सारे प्रश्नों का जवाब ढूंढ लेता है। अब यहाँ पर यही चैप्टर का हम दूसरा भाग शुरू कर रहे हैं। गर्मी के दिन थे, आजकल कब इतनी गर्मी बढ़ती जा रही है कि शायद कोई दोपहर को हमें भी घर से बाहर निकलने के लिए बोले तो शायद हम हाँ बोलने के लिए
सोचेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस गर्मी में जाने से तो अच्छा है घर में चुपचाप बैठे रहो और कोई ना कोई काम करते रहो। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंख में आज नींद नहीं थी। कहां से होगी, सारा प्रबंध कर लिया है, अब तो वो किए गए प्रबंध को हमें ठीक तरीके से चिड़िया के लिए पूरा तैयार करना है। आप लोग भी कभी कभी करते होंगे कि अपना काम करने के लिए, अपना काम पूरा करने के लिए आप सोच दोगे कि मम्मा कब जल्दी से सो जाए। जैसे मम्मा सोए, आप भी कभी कभी आंखें बंद करके झूठ मूठ का सोने का नाटक करते होंगे, और जैसे मम्मा सो जाए बिल्ली की तरह चोरी छुपी धीरे 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 आप कमरे से बाहर निकलने की सोचते होंगे। उसी तरह ये भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वह भी वही काम करेंगे। अब झूठ मूठ का सोने का नाटक, और जैसे ही मां सो जाती है तो अपना अभियान शुरू करने की तैयारी में जुड़ जाओ दोनों। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोक के आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। दम रोकना, दम यानी अपनी सांस को रोकना, चुपचाप जैसे सोने का नाटक करना। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई है, दोनों चुपके से उठे और वो धीरे से दरवाजे की छिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अब मजा आएगा, आपको भी लगता होगा ना कि कहीं ना कहीं आप भी इनमें शामिल हो, आप कहीं ना कहीं केशव बन रहे हो या श्यामा बन रहे हो, आप भी चिड़ियों की मदद करने के लिए तत्पर हो। आपको भी लग रहा है कि चलो चलो मैं भी बाहर निकल जाऊं और मैं भी उनके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूं। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। हिफाजत यानी कि अब तो उसका ध्यान रखना है। और अब क्या होगा हम वापस आगे देखेंगे। मेरे ख्याल से आपको इतना पार्ट समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और शायद कुछ भी प्रश्न हो तो बिना डरे आप उसे समझने की कोशिश करना, और फिर भी लगे तो हम जैसे रूबरू होके इन सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, हम समझेंगे। वैसे भी प्रेमचंद जी है, उसकी कहानियां काफी अच्छी होती है, दिल को छू लेती है, और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि उस कहानी का पात्र खुद हम ही हैं। जैसे वह कहानी हमारे आसपास ही घटित हो रही है। यहाँ भी आप लोग देखते होंगे कि यह कहानी जिसे आप केशव हो या श्यामा हो, आप ही के घर के कामिस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए हैं, और उस अंडों की हिफाजत करना अब आपका काम है, और आप उसकी हिफाजत करने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग करोगे, कैसे उसकी सारी जरूरत को पूरा करने के बारे में सोचोगे, यह खुद ब खुद हमें उसका हल ढूंढने के लिए हमें मजबूर कर देते हैं। तो हमें भी अब देखना है कि हमें छिटकनी खोलना है, हमें बाहर निकलना है, हमें चिड़िया की मदद करनी है, और आगे बढ़कर फिर क्या होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कुदरत जो है उन्होंने हम सबको काफी अच्छी अच्छी शक्तियां प्रदान की है। जैसे मानव इंसान के पास शक्तियां है ना, वैसे पशु पक्षी के पास भी शक्ति है, और उसी शक्ति के आधार पर ही वह अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं, और आने वाले संकट में अपने आप को बचाने के लिए कोई ना कोई वो हल निकालते हैं। अब हम भी देखते हैं कि केशव और श्याम मदद कर रहे हैं, पर चिड़िया के पास भी क्या वह कुदरत से दी हुई शक्तियां है, और है तो वो किस तरीके से उस शक्ति का उपयोग करते हैं, वह जानने के लिए हम अगली कक्षा में हम वापस आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।